बात करेंगे वध की, जिसका ओटीटी रिलीज नेटफ्लिक्स पर हुआ है। कहानी एक सीनियर कपल की है जिसे संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने प्ले किया है। कैसे ये दोनों एक मर्डर में फंस जाते हैं और किस तरह से इनकी जिंदगी पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है और किस तरीके से उससे ये बाहर निकलते हैं या निकल भी पाते हैं या नहीं, इसके बारे में इस फिल्म में चित्रण किया गया है। जाहिर सी बात है, फिल्म में अपने टेंशंस हैं, फिल्म में अपना एक कथानक है जो कि आपको बांधे रखता है काफ़ी देर तक। पर शुरू में एक बात ज़रूर कह दूं, ये दृश्यम नहीं है। चाहे सिनेमा हॉल हो या चाहे ओटीटी हो, स्टार कास्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। संजय मिश्रा हमेशा ही हमारा ध्यान खींचते हैं, नीना गुप्ता तो अपने जीवन का बेहतरीन प्रदर्शन कर ही रही हैं, साथ में मानव विज शक्ति सिंह की भूमिका में और सौरभ सचदेवा प्रजापति पांडे की भूमिका में, ये चारों ही मुख्य किरदार हैं। मेन तो कपल है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का, मिश्राज, पर इन बाकी दोनों का भी काफ़ी लंबा रोल है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों ने जमकर काम किया है, खास तौर से मानव शक्ति सिंह की भूमिका में। मुझे वो हमेशा ही, क्या कहते हैं, बहुत एक इंट्रीगिंग टाइप के करेक्टर लगते हैं। हाल में ही मैंने उनको लाल सिंह चड्ढा में भी देखा था और इसके अलावा कई फिल्मों में, कई जगह टेररिस्ट वगैरह का भी रोल करते हैं और कई जगह आक्रमणकारी टायरेंट का भी रोल उन्होंने किया हुआ है फिल्मों में। हर जगह ये एक गहरापन लेकर के आते हैं अपने रोल में, इस फिल्म में भी लेकर के आए हैं। पर रही बात संजय मिश्रा की और नीना गुप्ता की, दोनों मजे हुए कलाकार हैं, उनको कुछ भी दे दिया जाए वो बहुत अच्छे से आपको बांधे रखेंगे। पर कहना पड़ेगा कि ये फिल्म अपनी प्रॉमिस के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ये फिल्म डिसाइड नहीं कर पाई कि ये मर्डर मिस्ट्री है या एक सीनियर कपल की कहानी है या एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। बागबान की स्टोरी बच्चों के ऊपर आधारित थी, दृश्यम की स्टोरी मर्डर के ऊपर आधारित थी और सीनियर कपल की स्टोरी सारांश टाइप की मूवीज उस तरह की बनी हुई हैं। वध, जो कि अपने नाम से एक मर्डर मिस्ट्री होनी चाहिए और मेरे ख्याल से शायद इसकी ये सेंट्रल पेशकश भी मर्डर मिस्ट्री ही है, मिस्ट्री तो नहीं, हाँ मर्डर के इर्द गिर्द बनी हुई एक कहानी कि मर्डर हो गया है और सबको पता है किसने किया है, कैसे उससे वो बाहर निकलता है, तो एक टेंशन भरा एक काइंड ऑफ थ्रिलर कह सकते हैं उसको। पर ये फिल्म स्लाइसेस ऑफ लाइफ में और पति पत्नी के बीच की मधुरता दिखाने में और बच्चे के, उनके लड़के के जो धोखा उन्होंने दिया उसको दिखाने में इतनी ज़्यादा फंस जाती है कि मर्डर मिस्ट्री बहुत बुरी तरह से डाइल्यूट हो जाती है। फिल्म का बहुत सारा समय एक नॉइज़ है जिसमें ऐसी बातें हो रही हैं जो कथानक को ना आगे ले जा रही हैं और ना ही उसको किसी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। अपने आप में वो दृश्य काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिस तरीके से तुलसी जी की पूजा करने के लिए एक सीनियर लेडी के तौर पर नीना गुप्ता जी छत पर जाती हैं, कैसे अपने घुटने को लेकर परेशान रहती हैं, कैसे ये दोनों एक घर में रहते हुए एक दूसरे के साथ एक सुखी और बहुत सामंजस्य भरे हुए सीनियर दंपत्ति के तौर पर सामने आते हैं, और इनके बच्चे का व्यवहार और गुंडे के तौर पर सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर और पुलिस वाले के तौर पर, जिसमें थोड़ी सी डिसेंसी भी है और थोड़ी सी परेशानी भी है उसको, तौर पर मानव विश का करेक्टर, ये सब अपने आप में बहुत सब अच्छे हैं। पर ये फिल्म या तो मर्डर मिस्ट्री होती दृश्यम की तरीके से कि भाई एक परिवार फंस गया है और किस तरीके से अपना जोर लगा के बाहर निकल रहा है, तो उसमें आप उस परिवार से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं। यहाँ इस तरह का मौके ही नहीं आने दे कि फिल्म मर्डर तो शायद बहुत छोटा सा पार्ट बन के रह गया था इस फिल्म का एक पॉइंट पे आकर के। कई जगह ये अपनी ऑथेंटिसिटी जरूर साबित करने में लगी हुई थी कि कैसे ऑथेंटिक शहर होते हैं, कैसे ऑथेंटिक घर होते हैं, कैसे ऑथेंटिक बच्चे आते हैं उनके घर पे, कैसे ऑथेंटिक गुंडे होते हैं उस शहर में, और बाहुबलियों का क्या सीन होता है, लोकल गुंडों का क्या लेवल होता है, पुलिस वाले कैसे बिहेव करते हैं। पर वो ऑथेंटिसिटी जो है वो स्टोरी को सर्व नहीं कर रही है। ये कई बार होता है कि आप बहुत ऑथेंटिक सीन बनाने में लग जाते हैं, एलिगेंस में लगे रह जाते हैं और फिल्म को जो है वो आगे बढ़ाने वाला जो काम होता है वो कहीं खो जाता है। तो मेरे हिसाब से फिल्म का प्रॉमिस था और ओटीटी के हिसाब से तो यार संजय मिश्रा का कोई भी फिल्म, कैसी भी फिल्म हो, देखने में कोई हर्ज नहीं होता है। पर जाहिर सी बात है, और जैसा कि इस फिल्म के साथ हुआ भी, थिएटरिकल रिलीज जो है इसका पिटा ही, क्योंकि पैसे देके देखने वाली फिल्म नहीं है।